हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और यह है एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, क्या उसका फॉर्मेट है। ओके, इसको समझते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेगी जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए ये किस बारे में है, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है। इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका करेक्टर कैसा है ये आपका कॉलेज बताएगा। तो कॉलेज जब बताएगा तो वो लिख कर देगा किसमें, करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर कि कैसा आपका करेक्टर है। तो वो लिखवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को ये एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसको समझते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए। देखिए एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या आया है, ये बोबिल आया, और बोबिल से पहले क्या आता है, एन आता है। एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग उनसे अनुरोध किया गया हो हिम उनसे टू गिव, देने के लिए अ करेक्टर सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है, और स्कूल लीविंग, स्कूल को छोड़ने पर, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है इसको प्रिंसिपल को। तो किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है यही आपको क्या लिख कर देंगे, एक करेक्टर सर्टिफिकेट लिख कर देंगे कि कैसा है आपका। तो आपको कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में वो समझते हैं। देखिए शुरू में आप लिखेंगे टू, और टू के बाद में लगाना आपको कोमा। ओके, टू का मतलब यहाँ पे है सेवा में, क्या है सेवा में। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी केपी इंटर कॉलेज अलाहाबाद, मतलब प्रयागराज है इसका नाम। तो केपी इंटर कॉलेज जो अलाहाबाद में पढ़ता है, मान लो आपका जो कॉलेज है मुरादाबाद में पढ़ता है तो मुरादाबाद लिख दो। जिस जिले में आपका आपका कॉलेज पढ़ता है वो वहां पे फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर जस्ट कॉलेज के नीचे आप लिखेंगे सर, और वहां पर लगाएंगे कोमा, और सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान होता है। इतनी जगह खाली छोड़ के फिर लिखेंगे विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विद रेस्पेक्ट सम्मान के साथ, आई विश, मेरी इच्छा है टू स्टेट, बताने की कि डेट माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, डेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर्ड हो चुका है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है वो हो चुका है या हो गया है टू सहारनपुर, सहारनपुर। तो उनका जो ट्रांसफर है वो सहारनपुर में हो गया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं सम्मान के साथ ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफर हो गया है। अब ट्रांसफर हो गया है तो वहां से दूसरी जगह जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, सहारनपुर। अलाहाबाद से कहाँ पहुंच रहे हैं, सहारनपुर पहुंच रहे हैं। तो सहारनपुर में पढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए, एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जो कॉलेज है वहां का, सहारनपुर का, जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो पूछेंगे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है। तो इसी वजह से ये प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो यहाँ पर यह बोला गया कि सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं उनका ट्रांसफर हो गया है, कहाँ पे, सहारनपुर में। एज आई हैव टू, देखिए हैज टू, हैव टू का केस क्या है, जब कोई काम आपको करना पड़ता है मजबूरी में या जबरदस्ती करना पड़ता है तो यूज करते हैं हैव टू या हैज टू का। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, हैव टू। आई हैव टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना, मुझे शामिल होना है, कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज में, एक सरकारी कॉलेज में। देयर, वहां पर, आई नीड, मुझे जरूरत है, नीड का मतलब क्या होती है, जरूरत, याद रखें नीड क्या होती है, जरूरत। अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट की, रिगार्डिंग, जो के संदर्भ में होगा, माई करेक्टर, मेरे करेक्टर के, मेरे चरित्र के, एंड कंडक्ट, मेरे व्यवहार के। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू का मतलब क्या होता, आपका धन्यवाद। जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डेट, और डेटडेस लगा देंगे। इस कोने में लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, एक्स वाई जेड जो भी नाम हो, वहां पर नाम नहीं लिखना आपको एग्जाम में। और उसके नीचे लिखेंगे क्लास, क्लास कौन सी है, क्लास टेंथ है, उसको एक्स भी कहते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, एक बार इसके मीनिंग और देख लें। ओके, इसकी हिंदी निकालने के लिए समझते हैं। देखिए राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, एप्लीकेशन होती है, प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होते हैं। ओके, मतलब प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य जी कहते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है। लीविंग होता है छोड़ना, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और आपको क्या लिखना है इसमें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जानते ही हैं। और आपको ध्यान पर रखना टू, टू का मतलब यहाँ पे आया है सेवा में,
और रिस्पेक्ट होता सम्मान, क्या होता सम्मान। बिस होती है इच्छा, स्टेट यहाँ पे बताने के लिए यूज हुआ है। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। सहारनपुर आया है हैव टू ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, कहाँ पर शामिल हो रहा है, कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, गवर्नमेंट को इसके अंदर। नीड होती है जरूरत, क्या होती है जरूरत होती है। करैक्टर, करैक्टर चरित्र होता है। रिगार्डिंग होता के संदर्भ में, के बारे में, याद रखें क्या होता है रिगार्डिंग के संदर्भ में। माई करैक्टर मेरे चरित्र के, कंडक्ट होता व्यवहार, कंडक्ट याद रखना व्यवहार, कंडक्टर इसी से बना होता है, कंडक्ट होता व्यवहार। थैंकिंग यू आपका धन्यवाद, योर्स ओविडेंटली, ओविडेंटली का मतलब होता आज्ञाकारी। ये सारे इसके मीनिंग है, बस ये मीनिंग याद रखें। ओके चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।